साल 2024 के लोकसभा चुनाव और इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के महासचिव के साथ अलग अलग बैठक कर चुनावी जंग फतेह करने के लिए माइक्रो प्लानिंग की है। देश भर में कॉल सेंटर खोलकर मतदाता को साधने के लिए प्लान बनाया गया है, जो नगर पंचायत अध्यक्षों और मेयरों के सम्मेलन से शुरू होने की रणनीति बनाई गई है। साल 2023 के राज्यों के सत्ता में आने और साल 2024 में 350 प्लस सीटें जीतने का बीजेपी ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसे अब अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की है और इस प्लान को बनाया है। इसके बाद पार्टी के महासचिवों के साथ मैराथन बैठक की, जिसमें साल 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चलाए जाने वाले पार्टी के कार्यक्रमों की भी रूपरेखा बनाई गई है। इस तरह से बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ग्रामीण से शहरी वोटों तक साधने की कोशिश बीजेपी ने की है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर के जिला पंचायत अध्यक्षों को मतदाताओं को साधने की ट्रेनिंग दी गई है। इसी कड़ी में अब नगर पंचायत अध्यक्ष, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष के सम्मेलन करने और उन्हें चुनावी टिप्स देने की रणनीति बनी है। शहरी क्षेत्र में बीजेपी शुरू से मजबूत मानी जा रही है, जिस पर विपक्षी दलों की भी नजर है। बीजेपी शहरी वोटों पर अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए स्थानीय शहरी निकाय सदस्यों के ट्रेनिंग देने की विस्तृत रणनीति बनाई गई है, ताकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी से जुड़े स्थानीय शहरी निकाय और ब्लॉक स्तर तक के पंचायत सदस्यों को चुनावी कार्यक्रमों में सक्रिय हिस्सेदारी और भूमिका तय की जा सके। सूत्रों की माने तो ब्लॉक प्रमुख BDC को ट्रेनिंग देने के प्रोग्राम की रिपोर्ट राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजय वर्गीय के हाथ में है। इसके साथ ही जिला पंचायत सदस्यों के प्रशिक्षण वर्ग की रिपोर्ट पेश की गई और ब्लॉक पंचायत स्तर के सदस्यों को ट्रेनिंग की योजना भी बनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भी प्लान किया गया है। जेपी नड्डा ने महासचिव की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 15 दिन तक देश भर में सेवा कार्य करने की योजना पर मंथन किया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा कल्याण के कामों के जरिए पार्टी ने कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जल्द ही पार्टी की एक तरफ सर्कुलर जारी कर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों को चलाने की योजना राज्य इकाइयों को भेजी जाएगी। पीएम मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाया जाता है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 15 दिनों तक अभियान चलाकर सियासी माहौल बनाने की कोशिश करती नजर आएगी। बीजेपी का मेरी माटी मेरा देश अभियान चल रहा है। राष्ट्रवाद का मुद्दा बीजेपी के लिए सियासी तौर पर मुफीद माना जाता है। यही वजह है कि बीजेपी इस मुद्दे को लगातार धार देने में जुटी है। जेपी नड्डा की मंत्रियों और पार्टी महासचिवों के साथ बैठक में देश भर में चलाए जा रहे हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश की भी समीक्षा हुई है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम में लोगों की सक्रियता और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं की सहभागिता पर डिटेल रिपोर्ट बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने रखी। देश भर में बीजेपी कॉल सेंटर खोलेगी। सूत्रों की माने तो जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में कॉल सेंटर खोले जाने को लेकर भी चर्चा की गई है। मौजूदा समय में कॉल सेंटर के जरिए वोटरों तक पहुंचने के लिए एक विस्तृत योजना बनी है, जिस पर गहरी चर्चा हुई। पार्टी साल 2024 के चुनाव को लेकर देश भर में कॉल सेंटर खोलेगी और जल्द ही सदस्यता का महाअभियान चलाया जाएगा।